हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर, जहां पे आपको सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की और टेट परीक्षाओं की तैयारी संपूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पर कराई जाती है। आपको पता है कि वैसे सभी सब्जेक्ट में तो हमारे 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, लेकिन संस्कृत का जो है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हो पाया है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ संस्कृत के क्वेश्चन। तो संस्कृत में आपको पता है कि जो सीटेट में वो 15 नंबर का आपका गद्यांश पद्यांश वाले से पोर्शन आता है और 15 नंबर का आपका पैडागॉजी सेक्शन आता है, तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मिक्स करके ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ तो हम पद्यांश या गद्यांश नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे सूत्र है उस पर आधारित प्रश्न है, और बाकी जो है आपका वो है पैडागॉजी सेक्शन। आपको एक झलक दिखा दूँ, पैडागॉजी क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम पैडागॉजी सेक्शन के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जो प्रश्न है वो एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं सीटेट के पहले, वहाँ से मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, तो ये बिल्कुल क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं, परफेक्ट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ सूक्तियाँ दी हुई हैं और फिर इनके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट से पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। वैसे ये सभी ने स्कूल टाइम में पढ़ी होंगी तो सबको इसकी मीनिंग पता होगी। चलिए देख लेते हैं। तो पहला है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी मीनिंग बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत फेमस ये सारी उक्तियाँ हैं। पहले एक बार पूरा पढ़ेंगे, आप खुद से समझने की कोशिश करिए, लास्ट में फिर मैं तो बताऊँगी। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर का, सद्देव सहासीत सद्य कुर्वीत संगतम, सब्धिर विवादम मैत्रीम न च ना सब्धि किंच दाचरेत। ठीक है, ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये मैंने ये वाला जो है नहीं वो किया, पढ़ा हुआ है ऐसे, मतलब रटा हुआ नहीं है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। ये आपका है, बस एक नज़र देख लीजिए, फिर मेन तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब हमें लौट के आना होगा यहाँ पे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे दुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। श्रेष्ठम जनम गुरु चापि मातरम पितरम तथा, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। ये आपके छः दिए हुए, अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम, सत्य रवो पृथिव्याम या वायो। देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ है जो सब जगह होती है। तो यहाँ पे क्या है कि सत्य जो है, सत्य सर्विस हर जगह, मतलब कि सत्य जो है वो हर जगह प्रतिष्ठित होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कै न किंचिदाचरेत मित्रै बंधुभि सद्भि असद्भि। तो देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ना सब्धि, ना मतलब लग गया तो अ लगा दीजिए चाहे ना लगा दीजिए, एक ही बात हो जाती है। सो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, 26 के लिए ऑप्शन नंबर डी असब्धि, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, किनका कार्य जो है वो सिद्ध होता है। ये तो इजी है, इसमें कुछ है नहीं, उद्यमेन मुखेन मनोरथेन सुप्तेन, किससे होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाते हैं आपका, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ऐसे पहली लाइन ही आपकी है पद में जो दिया है उसका मतलब यही है कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होगा, मेहनत से ही कोई कार्य सिद्ध होता है, सिर्फ मन बना लेने से या इच्छा करने से नहीं। मित्रेण किम कृत्वा जना कदापि सुखी न भवति, मैत्रीम परिवर्जनम कलहम प्रयासम। मित्रेण किम कृत्वा जना कदापि सुखी न भवति, यानी कि मित्र से क्या करके इंसान कभी सुखी नहीं रह सकते। मैत्रीम, चलिए देख लीजिए ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मित्र से कलह करके लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। तो मित्र से सुखी सॉरी कलह नहीं करनी होती अगर सुखी रहना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन से मतलब कि प्रिय वाक्य बोलने से कौन जो है वो संतुष्ट होते हैं, किसा किसको अच्छी लगती है, मानवा को जंतवा को देवा को न को। तो जो आपकी जो आपका पद्य था या जो आपकी सूक्ति थी उसमें जो लिखा था आपको वही बताना है, और वहाँ पे क्या था आपका, जंतवा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका जंतवा।
बार बार मैं इसको स्क्रॉल करके वही चीज़ नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो आपके सामने रहेंगी वो चीज़ें, आप देखेंगे ही और आंसर आपको उसी में मिलने हैं, इसमें कुछ भी अलग से दिमाग नहीं लगाना है। श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति, पिता उत्तम गुरु माता। तो यहाँ पे 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति, इसका पर्याय क्या है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तम। ठीक है, श्रेष्ठ पद का पर्याय क्या है, उत्तम है। श्रेष्ठ मतलब सबसे बेस्ट, उत्तम मतलब सबसे बेस्ट। अब आ जाते हैं पैडागॉजी सेक्शन के क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो बहुत ईजी थे, बन गए थे। अब नेक्स्ट जो देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है संस्कृत भाषा शिक्षण। भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितम किम। भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, ये 2-3 दिन से बहुत डिस्कस हो रहे हैं हिंदी पैडागॉजी में भी निबंधात्मक प्रश्न, तो यहाँ पे देख लेना है इसके लिए क्या उचित होगा। विद्यार्थी भी के शासन प्रश्नानाम कृते एव उत्तरम सज्जीकरणीयम एव प्रकारेण तैह बहुपठन समय रक्षित भवति। एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रमम आवेशयति, विद्यार्थिना सामर्थ्यानुसार मूल्यांकने सहायकं भवति येन स्वस्य विचारान् लिखित भाषाया व्यवस्थित रूपेण व्यक्तीकरोति। तो चलिए देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो क्या हो जाएगा, 31 के लिए आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। इसका एक्चुअली मतलब यहाँ पे ये है कि भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्न जो का जो अर्थ होता है वो विद्यार्थी के मूल्यांकन में सहायक होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, मूल्यांकन में सहायक होते हैं और अपने विचारों को लिख कर व्यवस्थित रूप में प्रकट करने की करते हैं। तो उससे भी हमको पता चल जाता है कि हाँ, बच्चे अपनी बातों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, इसका भी मूल्यांकन हो जाता है। अगला प्रश्न, दिव्यांगानाम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये अच्छी बात है कि आपके संस्कृत में अक्सर क्वेश्चन में थोड़ा सा इंग्लिश दे देता है, तो आप समझ सकते हैं अगर नहीं बन रही है संस्कृत का। लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवती, दिव्यांग जो होते हैं उनको अगर लेखन कौशल में उनको बेस्ट बनाना है तो किसकी आवश्यकता होगी। समीचीन शब्दावल्या प्रयोग सुंदराणी हस्ताक्षराणी विचाराणाम मौलिकता प्रतीकात्मक भाषाया प्रयोग, फटाफट से देख लीजिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, समीचीन शब्दावल्या प्रयोग, ये आपका सही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए जो दिव्यांग होते हैं उनके लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए जो प्रचलित शब्द के प्रयोग की आवश्यकता होती है, कि जो नॉर्मली प्रचलित हैं जो चीज़ें चल रही हैं, यानी कि उनको बहुत कठिन शब्दों का हमको हमें नहीं देना चाहिए, नॉर्मल शब्दों को लिखें जिससे वो सरलता से लिखने की प्रोसेस को कर सके, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। बहुत कठिन शब्द देंगे तो उन्हें लिखने में दिक्कत होगी। भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। ठीक है, निरंतर समग्र मूल्यांकन मतलब आपका क्या हो जाता है, वही सतत और व्यापक मूल्यांकन कर लीजिए, कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रेंशन कर लीजिए, असेसमेंट कर लीजिए, वही चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा बल किस पे देना चाहिए, शुद्ध उच्चारण पे। विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग यानी कि अलग अलग संदर्भ में भाषा के प्रयोग का सामर्थ्य से पर, उत्तम शब्दावली पर या परियोजना कार्य पर, प्रोजेक्ट वर्क पर। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी होता है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि अलग अलग संदर्भ में भाषा प्रयोग करने का सामर्थ्य एक बालक में आना चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता आगे फिर आपका ऑप्शन है। भाषाधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम, भाषाधिगमे समस्या सृष्टिम करोति, भाषा शिक्षण एका बाधा, भाषा संसाधनानाम कृते प्रमादकारी। बहुभाषिकता क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है कि समस्या मतलब समस्या क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक बाधा है ये। ठीक है, या फिर एक संसाधन के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में ये चीज़ आपने, मैंने ये सेम क्वेश्चन हिंदी पैडागॉजी में कराया है, सेम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है, तो आप देख रहे हैं कि चीज़ें वही हैं, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार फटाफट से सब लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़, अब तो संस्कृत की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो के रूप में कार्य करता है संसाधन,
हो जाता है। क्यों होता है? इसमें देखिए, भाषा को सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है बहुभाषिकता, जो कि मैंने आपको हिंदी में बताई थी। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उस भाषा का ज्ञान होना तो बहुत आवश्यक है। जैसे अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बहुभाषिकता में वाली क्लास में होते जब आपको कई लैंग्वेज का ज्ञान होता है तो आप भाषा अधिगम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चाहे वो आप मल्टीलिंगुअल क्लास में हो, चाहे आपको खुद से आती हो, सभी चीज़ें हेल्प करती ही करती हैं एक संसाधन के रूप में। आई रिपीट, क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, ये एग्जाम्स में आ चुके हैं, और जो मैं आंसर जितने भी बता रही हूँ, जो आंसर की के अकॉर्डिंग सही था वही मैं बता रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डाउट रहे, जो CBSE ने सही मानी है। भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, संकेत भाषा, व्याकरणम। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी, संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज। भाषा का एक्चुअली जो प्राथमिक रूप होता है ना, वो संकेत भाषा ही होता है। जब व्यक्ति कुछ भी सीखना और जानना चाहता है तो पहले उसे संकेत के माध्यम से ही सिखाया जाता है, फिर वह बोलने लगता है और अंत में वो लिखना भी सीख जाता है। पहले वो सीख, साइन लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे आप उस भाषा पे मत चले जाइए कि सिर्फ जो मूक और बधिर यूज़ करते हैं वही साइन लैंग्वेज। नहीं, यहाँ सिंबल्स की बात हो रही है, किसी भी चीज़ के सिंबल्स। जब आपको भाषा पढ़ाए जाते हैं तो पहले आपको चिन्ह नहीं पढ़ाए गए, पहले आपको ABCD पढ़ाई गई होगी, या फिर कका गगम की मात्राएँ पहचान कराई गई होंगी, ठीक है, कि ऐसे कर दिया तो ये बन गया, ऐसे कर दिया तो वो बन गया, ऐसा दिखाया होगा, पहचाना गया होगा, फिर बोलना सिखाया गया होगा, देन आपने उसको लिखना स्टार्ट किया होगा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्वम अनयोर मध्ये अधस्तनेषु कः पक्षः साधु इति भवान भवति चिन्तयति। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया है, ऑप्शंस पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ओके, यहाँ पे है ऑप्शंस। ए ऑप्शन है आपका, विभिन्न मुख्य नाम धेनयानाम उदाहरणानाम पुनरावृत्ति बहुवारम भवितव्यम। और फटाफट से सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए, अब बड़े बड़े नहीं है। विशिष्ट लेखनाम, कवित्वम, टाइम दे रही हूँ आपको मैं, पर आप पढ़ते रहिए। वो कैब हर जगह आता है आपका, स्पेशली इंग्लिश में दिया रहता है, तो अगर को प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश में एक बार उसको देख लीजिएगा। अभी चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है आपका होता है कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषायां व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। भाषा में व्याकरण का जो हम शिक्षण करते हैं वो किस में सहायक होता है, फटाफट से बताइए। न्यूमरेसी, लिटरेसी, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी। बोलना आसान था इसलिए बोल दिया, बाकी संस्कृत में आप देख लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लीजिए, पूछा क्या है कि व्याकरण शिक्षण के लिए किस चीज़ का होना आवश्यक है सबसे ज़्यादा। तो व्याकरण में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है शुद्धता, यानी एक्यूरेसी होनी चाहिए। व्याकरण हम इसीलिए तो पढ़ते ही है ना, कि भाषा का जो है हम शुद्ध प्रयोग कर सके, उसमें कोई भी कमियां ना या शुद्धता ना हो। तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबद्धम अस्ति। विराम चिन्हानाम सम्यक प्रयोग, समीचीन शब्दावली, कथा विचारः या कल्पना। देख लीजिए फटाफट से, लेखन क्रिया को संपन्न करने के लिए किस चीज का ज्ञान होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर ए, विराम चिन्हाम सम्यक प्रयोग। विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना आना बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन मैंने हिंदी पैडागॉजी में ये चीज़ बताई थी कि विराम चिन्हों का गलत अगर आपने उपयोग किया तो आपके वाक्य का अर्थ ही बदल जा सकता है ना। तो इसीलिए विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना भी लेखन, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो चलिए ठीक है बात कर लिया, वो नहीं समझ में आया, आप मैंने इतना सब कुछ बोला पता नहीं चला कि कहाँ पे क्या फुल स्टॉप है, कहाँ पे वो क्या होना चाहिए, पर अभी लिखते हैं तो उसमें हम बहुत तो ज़रूरी है। हालांकि ये मौखिक कौशल में भी ये चीज़ इंक्लूड है कि हम पॉज दे के बोले, कहाँ रुकना है, कहाँ जल्दी बोलना है, वगैरह वगैरह, पर जब लिखने की बात आती है तो वहाँ पर वो चीज़ों को पकड़ी जा सकती हैं। भाषा या मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य का, भाषा में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है मेन, फटाफट से ऑप्शन देखिए।
विद्यार्थी साधित उपलब्धि नाम आकलनम, अधिगमे त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, शिक्षार्थिषु त्रुटि नाम अन्वेषणम, विद्यार्थी नाम प्रदर्शन दृष्ट्वा प्रोन्नति यानी प्रमोशन, अगली क्लास में प्रमोट कर देना, कृति निर्णय। अगेन इसका करेक्ट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, अधिगमे त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। इसका मतलब ये है कि भाषा के मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिगम की त्रुटियों का निरीक्षण करना और उसका गहनता से परीक्षण करना, यही मेन उद्देश्य होता है। भाषा का मूल्यांकन तभी सब अच्छे से हो सकता है, तभी प्रॉपर वे में हो सकता है, जब हम उसे उसमें जितनी भी व्याप्त छोटी से छोटी कमी है उसको खोज सकें, नहीं तो फिर मतलब ही क्या निकला मूल्यांकन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक बार प्लीज़ सब लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो तो एक बार लाइक कर दीजिए पसंद आया हो तो, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, क्योंकि हमारे चैनल पे सारी क्लासेस चल रही हैं, आई थिंक साइंस भी कुछ क्वेश्चन 250 करीब के क्वेश्चन हो चुके हैं उसके, और अभी वो थोड़ा सा ड्रॉप में है, बाकी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस हमारी चल रही हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बच रहा है सीटेट का जिसकी क्लास नहीं चल रही हो। तो ऐसा किसी कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जो एक दिन में इतनी इतनी क्लासेस ले रहा होगा, हर सब्जेक्ट कवर हो रहा होगा, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो सपोर्ट थोड़ा सा करिए। देख लेते हैं 40 क्वेश्चन आपका। प्राथमिक विद्यालय से कश्चन विद्यार्थीनाम श्रवण वाचन कौशलयोः विकासनार्थं निम्नलिखित पद्धतेषु का वा पद्धति उपयुक्ता भवति, अभिनयः तथा वार्ता वाचनम्, अभिनयः तथा संवादः, कथा श्रावणम् तथा श्रुत लेखनम्, काव्यपाठः तथा भाषा प्रयोगशाला। सो यहाँ पे देख लेते हैं करेक्ट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, अभिनयः तथा संवादः यानी इंटरैक्शन जिसको हम कहते हैं, और प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के जो श्रवण वाचन कौशल के विकास के लिए अभिनय तथा संवाद पद्धति सबसे बेस्ट होती है। इसमें क्या है, क्योंकि अभिनय करेंगे और संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इसमें श्रवण कौशल का भी विकास होगा, वाचन कौशल का भी विकास होगा दोनों, और बच्चे सबसे बड़ी बात है कि इसको इंजॉय करते हैं, अभिनय संवाद इन सब चीज़ों को, इंट्रैक्शन को वो इंजॉय करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट मैथड हो जाता है। सो आपकी मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ कि 9:30 बजे की क्लास होती है आपकी SST की और संस्कृत की, आई मीन कुछ दिन आपके SST चलते हैं, 3 days SST, 3 days संस्कृत, इस टाइप से भी चल रहा है। मे बी ये टाइम थोड़ा सा चेंज होगा, कोशिश करेंगे आप लोग जैसा कहेंगे 9:30 या 9 करके टाइम में हो सकता है कुछ चेंज होगा, होगा तो ये कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगी, आपको मिल जाएगा टाइम का अपडेट, अदरवाइज नोटिफिकेशन तो जाएगा ही, आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन किया होगा, बेल आइकन प्रेस किया होगा तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।